Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show. सो गाइज मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैंने अपने फेस को जो है वो क्लीन कर लिया है, मैंने फेस वॉश कर लिया. एंड यू हैव टू क्लीन योर फेस बिफोर योर मेकअप. अगर आपके फेस पे डर्ट रहेगा तो मेकअप अच्छे से सेट नहीं होगा. सो मैं आज करने जा रही हूँ, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था, 5 मिनट क्विक मेकअप चैलेंज. तो देखती हूँ उसे हो पाता है, यानी 5 ही मिनट में मैं करूँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं ये क्रिस्टल क्लियर माइक्रो एसेंस यूज़ कर रही हूँ. इससे क्या होता है कि आपको अगर मेकअप करते हो तो आपका फेस जो है वो ख़राब भी नहीं करता है. तो ओनली 2 to 3 ड्रॉप्स लेना है मुझे, एंड ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है. तो मैं ऑलवेज इसे मेकअप से पहले यूज़ करती हूँ, मैं ऑलवेज यूज़ करती हूँ. सो सेकेंड गाइस मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइजर के लिए एज अ मामा अर्थ का स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस सीरम. ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, कि मतलब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि मामा अर्थ का मतलब पूरा मेरे रूम में सिर्फ और सिर्फ मामा अर्थ ही हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है. 1, 2, only 2 ड्रॉप्स इट इज़ इनफ, आपको ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. इस पोर्शन में ऑलवेज लगाएं अपनी स्किन पे. सीरम मैंने अप्लाई कर लिया है. तो अब बारी आती है आपको फाउंडेशन की. मैं फाउंडेशन सीधा यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे. सो आज फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन. इसका कवरेज मीडियम है, हार्ड नहीं है. इसका कवरेज मीडियम कवरेज देता है ये. सबसे पहले मैं स्किन पे अपने ऐसे ही जो है वो डॉट डॉट करके लगा लूँगी, गले पे भी, ताकि फेस वाइट लगे एंड नेक जो है सही नहीं लगता है. तो आप कभी ऐसा मत करना, नेक पे भी जो है फाउंडेशन वगैरह पाउडर वगैरह अप्लाई करना. मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, तो इसे ऐसे ऐसे करूँगी जैसे. सो गाइज आप देख सकते हो फाउंडेशन जो है वो मैंने ब्लेंड कर लिया है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से. बहुत अच्छे से हो जाता है, हैंड से भी अच्छे से हो जाता है, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ. सो अब मैं यूज़ करूँ कंसीलर. कंसीलर के लिए मैं ऑलवेज मैबेलिन का जो है फिटमी कंसीलर यूज़ करती हूँ. फिटमी कंसीलर है ये. एंड जैसा मैंने आपको बोला था कि फाउंडेशन का कवरेज हाई नहीं है, मीडियम कवरेज था, लेकिन इसका कवरेज हाई है. अपने आईलिड पर भी लगाऊंगी ताकि मेरा आई शैडो के लिए बेस काम करे. एंड अपने थोड़ा सा नोज की मेक के पास एंड लिप के पास, जो थोड़ा ब्लैक स्पॉट है, इसे क्या होगा वो ब्लैक स्पॉट मेरा लग जाएगा. एंड अब मैं छुटकू वाला ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ ब्लेंड करने के लिए. कंसीलर भी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, ब्लेंड कर लिया है मैंने. एंड अब इसको सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी लूज पाउडर का. लूज पाउडर में मैं लैक्मे का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ. ये रोज गोल्ड में है, ये रोज में है, ये देखो रोज सेट में बहुत ही सही होता है. मैं तो ऑलवेज इसे ही लगाती हूँ. स्पंज की हेल्प से ही अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी, कोई बात नहीं. अगर ज़्यादा भी लग रहा है अभी तो बाद में इसे मैं हटा लूँगी. पाउडर तो मेरा अप्लाई हो चुका है एंड ब्रश की हेल्प से जितना भी एक्स्ट्रा है मेरे फेस पे वो मैं रिमूव कर लूँगी. एक्स्ट्रा पाउडर कभी भी अपने फेस पे नहीं रहने दें, वरना और भी जो आप अभी कंटूरिंग करोगे अपने फेस का तो वो सही से नहीं हो पाएगा. इसलिए एक्स्ट्रा पाउडर कभी भी नहीं रहने के लिए दें. माय बेस मेकअप इज डन 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 डन. तो अब बारी आती है कि मैं सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं आई शैडो अप्लाई कर लेती हूँ. सो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये 2 आई शैडो पैलेट है मेरे पास मेकअप रिवॉल्यूशन का. मैंने इसका आपको रिव्यू दिया, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर जरूर चेकआउट करना. तो इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ. एंड एक ट्रिक होता है जब आपको एकदम लाइक बहुत जल्दी होती है मेकअप करने को, तो 2 से 3 आई शैडो मैं एक ही बार में पुट करूँगी. सो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ लाइक ये ग्लिटर वाला, अपने आईज पे ऐसे दे रही हूँ थोड़ा सा ज़्यादा. हाँ, देन एक ये मेट सेट का यहाँ पे. देन अगेन मैं यूज़ करूँगी एक, मैं कौन सा सेट यूज़ करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा. मैं इसमें से कोई एक मेट सेट लेती हूँ, देखती हूँ इस पैलेट में से. तो ये पैलेट में से मैं ये सेट यूज़ कर रही हूँ. मैं कोई हल्का ही लाइट ही सेट मुझे यूज़ करना है, तो मैं सोच रही हूँ लाइक ये वाला सेट यूज़ कर लेती हूँ. नहीं, थोड़ा तो डार्क होना चाहिए कुछ भी, तो चलो ये सेट यूज़ कर लेती हूँ. लाइक ये दे दिया तीनों. एंड इसी तरह अपने इस आइज पे भी कर लूँगी. फ्लिपकार्ट के मेकअप ब्रशेज हैं, फ्लिपकार्ट से लिया था मैंने. तो एक ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ एंड फटाफट ब्लेंड करूंगी, देखती हूँ क्या आउटकम आता है इसका. ये मैंने ऐसे अप्लाई कर लिया है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे. मतलब क्विक में देखो अच्छा ही हो गया, क्विक में जो भी हुआ क्विक में अच्छा ही हुआ. एंड काफ़ी टाइम सेविंग है ये हैक, अब भी जरूर यूज़ करना. सो गाइस, तो अब मैं जल्दी जल्दी से जो है अपने फेस को कंट्रोल करती हूँ. तो कंट्रोल करने के लिए जो है वो अगेन मैं यूज़ करूँगी यही आईशैडो पैलेट का यूज़ कर रही हूँ मैं. इसमें से ये ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ मैं कंट्रोल करने के लिए अपने चिक को. मेकअप ब्रश दोनों साइड हो गया कंट्रोलिंग, तो थोड़ा सा अपना ये जो
है, नेक का लाइन इसको भी कर लेती हूँ मैं कंटूर, हो गया डन। तो थोड़ा सा नोज है, तो नोज को जो मैं कंट्रोल करती हूँ वो ऑलवेज मैं अपने हाथ फिंगर से ही कर लेती हूँ, फिंगर के हाथ से ही। थोड़ी के बाद गाइस मैं ब्लश लगा लेती हूँ, थोड़ा सा ही ब्लश मैं यूज कर रही हूँ, तो ब्लश के लिए अगर मैं यही आई शैडो पैलेट यूज कर रही हूँ और ये वाला शेड यूज कर रही हूँ ब्लश के लिए। मुझे थोड़ा नेचुरल लुक की चाहिए इसलिए मैं ज्यादा नहीं करूंगी अप्लाई। नेक्स्ट जो है वो बारी आती है आपको ये लाइनर की। आई मेकअप मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, बस इसलिए लाइनर लगा रही हूँ मैं। लाइनर नॉर्मली एक छोटा सा विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, इस पे तो मेरा लग गया है, काफी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट आईज की बारी आती है। सो फ्रेंड्स मस्कारा, सॉरी मतलब कि लाइनर तो मैंने लगा लिया, तो अब मस्कारा लगा लेती हूँ मैं। सो मस्कारा के लिए अगर मैं यूज करूंगी ये, मस्कारा लगाने से पहले जो है थोड़ा सा मैं अपने अंडर आई को ये कर लेती हूँ, आई शैडो उसका ही यूज कर रही हूँ मैं। तो कौन सा यूज करूँ मैं सोच रही हूँ, आई एम टोटली कंफ्यूज। ये वाला सही रहेगा, ये वाला सही यूज कर लेंगे। अंडर आई में भी लगा लिया आई शैडो, तो अब जो है वो मैं मस्कारा यूज कर लेती हूँ। मस्कारा का मैं ऑलवेज लैक्मी ही यूज करती हूँ, लैक्मी के अलावा मैं कुछ भी, मैं चाहती हूँ कि मेकअप प्रोडक्ट में मैं ज्यादा वेरिएंट नहीं करती हूँ, लाइक मेरे फेस पे सूट नहीं करता उतना। डन, हमारा आई मेकअप भी डन हो गया, ब्लस भी लग गया, सब कुछ लग गया। तो अब बारी आती है हाईलाइटर की, थोड़ी सी हाईलाइटर। मैं मेकअप में कुछ भी छोड़ नहीं रही हूँ, बस क्विक कर रही हूँ, क्विक मेकअप है लेकिन मैं कुछ भी छोड़ नहीं रही हूँ। लाइक मैं स्विस ब्यूटी का, मैं स्विस ब्यूटी यूज कर रही हूँ हाईलाइटर में। ये वाला शेड यूज कर रही हूँ गोल्डन कलर का, बस थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। यहाँ दिख रही है यहाँ थोड़ा सा नहीं। क्या थोड़ा सा नोज पे जो है। अब लिपस्टिक की बारी आती है, लिपस्टिक मैंने नहीं अप्लाई किया तो मैं देख रही हूँ मैं लिपस्टिक कौन सा यूज करूँ। सो लिपस्टिक मैं यूज कर रही हूँ गाइज, ये है आपको लक्मी का एब्सोल्यूट लिपस्टिक शेड, आप देख लो सेड है आपको 204 सेड है इसका। थोड़ा सा लिप पे अप्लाई करूंगी, फिंगर के आपसे सही कर लूंगी। मेरा मेकअप जो है वो डन हो चुका है, सो अच्छा ही लग रहा है। तो अब जो है वो मैं फटाफट ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, सबको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है मेरा ओवरऑल मेकअप लुक। तो गाइस मेरा चैलेंज हुआ पूरा, दिस इज माय फाइनल लुक। मैंने व्हाइट कलर का टी शर्ट वेयर किया है, ये इयरिंग भी व्हाइट कलर की वेयर की है, एंड कुछ भी नहीं ज्यादा मैंने हाई पोनी किया है, मुझे हाई पोनी करना बहुत पसंद है एंड सूट भी करता है आपको हाई पोनी, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा गोल शेप में है ना, इसलिए सूट करता है मुझे। सो आपने देखा मैंने कितना क्विक किया एंड काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट हुआ है, काफ़ी अच्छा आउटकम आया है मुझे 5 मिनट में। मुझे लग रहा है कभी कभी कि जो मैं लेट से मेकअप करती हूँ मुझे टाइम लगता है, उससे भी अच्छा मेरा 5 मिनट में हो गया है। सो ये था मेरा गाइज वीडियो 5 मिनट मेकअप चैलेंज। सो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, जल्दी जल्दी बताओ कैसा लगा आपको। तो आगे भी मैं और कोई इंटरेस्टिंग वीडियो ज़रूर लाऊंगी आप लोगों के लिए। सो मैं तो बहुत खुश हूँ इस लुक से, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा 5 मिनट से के अंदर में, क्या मतलब इतना जल्दी में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। सो अगर आपको कहीं जाना है, यू हैव टू गो समवेयर लाइक इन 5 मिनट्स, इन 10 मिनट्स, या फिर आधे घंटे में आपको कहीं जाना है एंड आपको लेट हो रहा है, तो आप ये मेकअप लुक ज़रूर यूज़ करना गाइस। सीरियसली मैं मतलब मैं 100% गारंटी देती हूँ, काफ़ी तारीफ़ें मिलेगी आपको, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं मिरर में भी देख के आई, ऐसा होता है कभी कभी लाइक कैमरा में ऐसा होता है, एंड कोई भी मैं कैमरा में फिल्टर अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ एज इट इज़ है मेरा कैमरा, क्योंकि मुझे कैमरा में फिल्टर यूज़ करने की कोई नीड ही नहीं पड़ती है इसलिए। सो आप ज़रूर यूज़ करना एंड मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैलेंज के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड घर पे रहिए, सेफ रहिए।